नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तुला राशि 22 से 31 मार्च 2019 क्या कहते हैं सितारे, यानी मार्च महीने का अंतिम सप्ताह जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है, जल्दी से जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में मैं और आप जानेंगे मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के बारे में सब कुछ। 22 से 31 मार्च कैसा जाएगा, आप सभी देश विदेश में रहने वाले जातक जातिकाओं के ऊपर यह राशिफल फलित होगा। आप इसे चंद्र राशि से देखें या अपनी लग्न राशि से देखें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप नाम से बोले जाने वाली राशि से भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, शुभ अशुभ तारीखों की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो जो है आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें ताकि समय से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं 22 तारीख से। 22 तारीख वाला दिन आपके लिए कैसा जाएगा? चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, यह समय आपके पक्ष में नहीं है। चंद्रमा आपको एकांत प्रिय बनाएगा और आपको नकारात्मक विचारों से जूझता हुआ बनाएगा। चंद्रमा आपके जो मन मस्तिष्क में अच्छे विचार कम, बुरे विचार ज़्यादा आएंगे। आप डरे डरे से रह सकते हैं, भयभीत रह सकते हैं। आप अपने जो पुराने काम हैं उन पर विचार करेंगे, यह एक अच्छी बात है। आप चिंतन कहें करेंगे या कहें गहन चिंतन करेंगे कि आपने कामों को कैसे किया, क्या कमी रह गई, क्या और अच्छा आप कर सकते थे। यह चिंतन आपको और अच्छा बनाएगा आगे आने वाले भविष्य में। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप कुछ आलसी हो सकते हैं, क्रोध की सीमा बढ़ सकती है, आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाएंगे जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। वासना का जो है आपके ऊपर भूत सवार होगा। कई बार हमने देखा है कि आप वासना और प्रेम का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। जिसको प्रेम की अभिलाषा है आपसे, उसके ऊपर आप वासना का प्रयोग करते हैं, और जिसके वो वासना की अभिलाषा है उसके ऊपर प्रेम का आप प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, खास करके वैवाहिक रिश्ते और प्रेम संबंध। तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको यह समय बिताना चाहिए। सेहत का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना आपके हित में रहेगा। आपकी बुद्धि सही निर्णय सही वक्त पर नहीं ले पाएगी और आपको इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अनेक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, आपको संभल कर यह समय बिताना चाहिए। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आप किसी छोटी लापरवाही से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बहुत सोच विचार कर हर कदम को आपको आगे बढ़ाना होगा। आपको अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतनी आपकी सीमाएँ तय की जा सकती हैं किसी भी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं। तो जैसे बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा खेल कूद करने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो माँ बाप समय सीमा बांध देते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे टीवी देखना है, इतने घंटे बात करनी है, इतने घंटे घर के बाहर जा सकते हैं, यानी इनको प्रतिबंध बोलते हैं। तो ऐसे प्रतिबंध आपको नौकरी व्यापार या घर पर भी देखने को मिल सकते हैं आपके प्रति। तो बड़े सावधान रहिएगा, कोई ऐसी गलती मत करिएगा कि आपके सीनियर या आपके बड़े आपके ऊपर ऐसे कोई प्रतिबंध लगाएं। आज के दिन नौकरी या व्यवसाय में बड़े ही संभल कर आपको समय बिताना चाहिए। विदेश यात्रा के कुछ अवसर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या विदेश यात्रा से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा शायद आज ना हो लेकिन उसकी योजनाएं आज बन सकती हैं। अब बात करते हैं 23 और 24 तारीख की। चंद्रमा आपके लग्न में होंगे यानी तुला राशि में होंगे, यह दिन आपके लिए शुभ है और लाभदायक भी है। आज के दिन आपकी यात्राएं खूब होंगी, आपके चेहरे पर खुशी झलकेगी, विदेश यात्रा के मार्ग खुल जाएंगे, धर्म कर्म में ईश्वर में आपका मन लगेगा, आप बड़े कोमल हृदय के होंगे, बड़े हृदय के होंगे, आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति बहुत तीव्र होगी। जीवन साथी के साथ सुनहरे पलों का आप आनंद उठाएंगे, आपको जमीन जायदाद के मामलों में असफलता मिल सकती है, गलत संगति में आज आप पड़ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। और विशेषकर आज के दिन आप गलत संगति वाली स्त्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं, जहाँ पर आपके मान सम्मान की बड़ी हानि हो सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी किन्हीं भी गलत आचरण वाली महिलाओं से आपको दूर रहना है। और महिलाएं इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि इस संसार में स्त्री और पुरुष दो ही लोग हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं।
तो कई बार पुरुष बुरे हो सकते हैं, कई बार स्त्रियां बुरी हो सकती हैं। तो आज पुरुषों को गलत आचरण वाली स्त्रियों से बचना चाहिए। आप अपने उसूलों के पक्के होंगे, प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम होगा, धन कमाना बहुत आसान होगा, धन जोड़ना मुश्किल होगा, कमाएंगे और खर्च करेंगे, आप सभी के प्रिय होंगे, छात्रों के पास अच्छा मौका होगा पढ़ाई लिखाई करने का, और छात्रों के पास आज हर समस्या का हल होगा, यानी हर प्रश्न का उत्तर उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 और 26 मार्च की। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गुरु के साथ गज केशव योग का निर्माण करेंगे, यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके घर परिवार में प्रसन्नता आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी, पैसे कमाएंगे भी, जोड़ भी पाएंगे, आप तेज बुद्धि वाले होंगे, धन कमाने में आप खूब बढ़ चढ़ कर अपना शौर्य दिखाएंगे, यानी जो आपके अंदर काबिलियत है उससे पैसा कमाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे, या फिर अच्छा पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म आप अभी तैयार कर सकते हैं, यानी तैयारियां कर सकते हैं और आगे आने वाले भविष्य में एक बड़ा मुनाफा आपके साथ जुड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी इस समय में, जो छात्र परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, स्त्रियों के बीच में आप चर्चित होंगे, स्त्रियों के बीच में उठना बैठना होगा, या कह सकते हैं पुरुष स्त्रियों के प्रिय होंगे, महिलाओं से अच्छी दोस्ती निभेगी और बहुत अच्छा समय बीतेगा। आपको मुकदमों इत्यादि में कुछ हानि हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहने की आवश्यकता होगी, कुछ मामलों में आप बहानेबाजी कर सकते हैं और यह बहानेबाजी आपको भारी पड़ सकती है। आपकी संतान विदेश यात्रा कर सकती है, आप खुले विचारों वाले महिला या पुरुष होंगे और आपके अंदर वासना और प्रेम दोनों होगा। इस समय में आप एक अच्छी पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसका सुख उठाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और जिसका सुख आपको मिल भी जाएगा, यानी कि वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। और कई बार क्या होता है कि आप गलत आचरण में फंस जाते हैं और प्रेम को सही तरीके से सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको अपने जीवन साथी को समझना पड़ेगा इस समय में कि उसको किस तरीके का वर्ताव या किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, तभी आप एक पूरा मजा या लुत्फ उठा पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन का इस समय में। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, चीज़ों का पता नहीं होता, शर्म ज़्यादा होती है, बातचीत कम होती है, तो इसको आपको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए तो बहुत ही बढ़िया समय आपका बीत सकता है। आँखों संबंधित कोई परेशानी या रोग या दिक्कत हो सकती है, छोटी बड़ी डॉक्टर की सलाह तुरंत लें, लापरवाही ना बरतें तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 27 और 28 मार्च की। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, यह समय कुछ बेहतरीन दिखाई नहीं पड़ता है आप सभी के लिए। चंद्र शनि का विष दोष आपके जीवन में कुछ शारीरिक बाधाएं दे सकता है, सेहत संबंधी परेशानियां दे सकता है, आपका मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, मन में अनजाना सा डर बना रहेगा, आप क्रोधित होंगे, बिना वजह किसी से भी वाद विवाद झगड़ा आप कर सकते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति कुछ अलग होगी, आप विचित्र तरीके से सोचेंगे और कहीं पर भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, यात्राएं सफल कर करें, विदेश यात्रा में कुछ विलंब हो सकता है, आपकी भाग्य की जो रफ्तार है वह धीमी हो सकती है, आपके जीवन में कड़वाहट घुल सकती है या आप भी किसी के जीवन में कड़वाहट घोल सकते हैं, तो कई बार आपकी वजह से भी लोगों को नुकसान हो सकता है और लोगों की वजह से आपको भी नुकसान हो सकता है, बड़ा ही सफल कर रहे हैं, सफलता के पीछे आप भागेंगे सफलता और आगे भागेंगे, सफलता को पकड़ने के चक्कर में कई बार गलत निर्णय ले लेंगे, कई बार आप गलत फैसले ले लेंगे जिसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। नौकरी है या व्यापार, अभी समय ठीक नहीं है, नई नौकरी की तलाश आपको इस समय में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पुरानी नौकरी छोड़ने से पहले एक बार पुनः विचार अवश्य कर ले, झगड़ा वाद विवाद ना करें, यदि सॉरी बोलकर काम चलता है तो इस समय में सॉरी बोलकर काम चलाने में ही आपका फायदा है, आपको संभल कर रहना चाहिए और उपाय करना चाहिए जो उपाय मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। धन की हानि हो सकती है, सेहत की हानि हो सकती है, मन की हानि हो सकती है और रिश्तों की हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है, तो समय बेहतर नहीं है, संभल कर रहिए, ईश्वर में मन लगाइए, आपको लाभ होगा और उपाय भी करिएगा। अब बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, यहाँ पर भी आप थोड़े से चिंतित और परेशान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यह चिंता और परेशानी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी परेशानी होगी लेकिन आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, जिस वजह से आप परेशान रहेंगे। जैसे आपने हिरन को देखा है ना, हिरन के पास कस्तूरी होती है, वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे ये नहीं पता होता ये खुशबू उसी के पास से आ रही है,
तो ऐसे ही समस्याएं आपके साथ होंगी, लेकिन उसका हल भी आपकी जेब में होगा, यानी आपके आसपास होगा, और उसके हल के लिए आप इधर उधर भटकते रहेंगे, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। तो अपने आसपास अपने लोगों से उस समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करिए, बाहरी लोगों पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें तो बेहतर रहेगा, और आपकी समस्या का हल होते ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि समस्या का हल नहीं हो पाएगा सुबह से शाम तक, तो आप सुबह से शाम, शाम से रात्रि, रात्रि से सुबह तक परेशान रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी समस्याओं का हल आपके अपनों के पास है, आपके घर में है, आपके पास है, इधर उधर से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपने समस्याओं का हल निकाल लिया तो आपको चंद्रमा राजसिक सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, घर पर बढ़िया भोजन का आनंद होगा, घर पर खुशियां होंगी, बढ़िया वक्त बीतेगा परिवारजनों के साथ। आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान रखें, यात्राएं हो सकती हैं, आपका जीवन साथी के साथ प्यार बढ़ेगा, प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, आपको घूमना फिरना पसंद होगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। आप बस क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें और अपनी समस्याओं का समाधान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने माध्यम से निकालने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा, आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिल सकते हैं। जो चार लाइनें मैंने शुरुआत में बोली हैं 30 और 31 के बारे में, उसको पुनः एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे समस्याओं का हल करना है। अब बात करते हैं भाग्य प्रतिशत की, तो आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 68%, शुभ अंक रहेगा 2 और 4, शुभ रंग रहेगा सफेद और हरा। उपाय आपको क्या करना है कि अशुभ तारीखों में रात्रि के समय दूध का सेवन या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूध, पनीर, मिठाई, जो सफेद दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, बंगाली मिठाई होती है, उनका सेवन ना करें तो बहुत बेहतर होगा। शिव जी और सरस्वती जी की आराधना प्रतिदिन करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा और किसी भी प्रकार दुष्परिणाम इस सप्ताह में आपको नहीं मिलेगा। आप सरस्वती जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, हनुमान जी की उपासना करें, निश्चित तौर पे आपको एक सुई की नोक के बराबर भी हानि नहीं होगी इस सप्ताह में। श्रद्धा और विश्वास बना के रखिए और चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए ताकि जानकारियां मिलती रहे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, इसके अलावा बचने का आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। वक्त बीत जाएगा, बाद में जानकारी लेंगे, उसके बाद हाथ मलते रह जाएंगे और एक ही शब्द जुबान से निकलेगा, काश पहले देख लिया होता, पहले जान लिया होता तो इतनी बड़ी परेशानियों से बच गया होता या बच गई होती। और यह जो वीडियो है, यह सभी महिलाओं, पुरुष, बच्चों, सभी के लिए होता है, तो इसको आप सभी लोग देखें। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरुष प्रधान वीडियो है या महिला प्रधान वीडियो है, ये सभी के लिए है। तो आप कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि आप पुरुषों की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों का यूज करूं वर्डों का, लेकिन आपको मैं ये आश्वासन दे रहा हूं कि महिला पुरुष दोनों लोग इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं खुश रहेंगे। हरिओम, नमस्कार।